राजस्थान में 9 से 11 दिसंबर तक होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से स्वास्थ्य के क्षेत्र को और ऊंचाइयां मिलेगी। इस समिट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाले हजारों करोड़ रुपए के समझौतों से जहां आधारभूत ढांचे का विकास होगा, वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में एम्स जोधपुर के चेयरपर्सन डॉक्टर एसएस अग्रवाल ने बताया कि आने वाले कुछ वर्षों में राजस्थान हेल्थ टूरिज्म का बड़ा सेक्टर बनने वाला है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने हील इन राजस्थान नीति का मसौदा पत्र बना लिया है। आगामी महीने दिसंबर में 9 से 11 दिसंबर के बीच होने वाले राइजिंग राजस्थान में मेडिकल के क्षेत्र में बड़ा निवेश, बड़ा एमओयू होने की संभावना है, क्योंकि राजस्थान मेडिकल हब है जिसमें आसपास के राज्यों के अलावा कई विदेशों से पेशेंट्स यहाँ आते हैं और अपना इलाज कराते हैं, बट सस्ते इलाज के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है। किस तरह के निवेश मेडिकल के क्षेत्र में होने वाले हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एम्स जोधपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एस एस अग्रवाल। सर, किस तरह की संभावनाएं आपको लग रही है राइजिंग राजस्थान में, खासकर मेडिकल के क्षेत्र में? मैं बता दूं, राजस्थान राज्य यहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं बहुत ही अच्छी और सुगमता से उपलब्ध है, और पर्टिकुलरली मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के आसपास के जितने भी राज्य हैं, बल्कि पूरे के पूरे हम सेंट्रल और नॉर्थ को देख लें और वेस्ट में देख लें, तो गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़ के कहीं भी राजस्थान से उन्नत चिकित्सा व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसलिए राजस्थान एक बहुत ही अपार संभावनाएं हैं मेडिकल के लिए, और यहाँ पर जो है वो राजस्थान, पर्टिकुलरली जयपुर, जोधपुर और उदयपुर एक मेडिकल हब बनते चले जा रहे हैं, जहाँ पर केवल ट्रीटमेंट ही नहीं, वहाँ पर शिक्षण भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है। इसलिए राजस्थान के अंदर जो अभी राइजिंग राजस्थान हो रहा है, उसके अंदर अभी तक करीब करीब 50,000 करोड़ के आवेदन आ चुके हैं और करीब करीब 25,000 करोड़ के आवेदन जो हैं वो एमओयू साइन हो चुके हैं। सर, इस क्योंकि मेडिकल में निवेश होने के साथ साथ बड़ी संख्या में रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होने की संभावना है, तो क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो प्राकृतिक योग और इस तरह की चीज़ें हैं, और खासकर जो न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए किस तरह की संभावनाएं आप देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि मेडिकल के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो अधिकतर लोकल व्यक्तियों को मिलता है। कुछ होते हैं कि जो बहुत ही बड़े और स्किलफुल जो डॉक्टर्स हैं, जो विशेष स्किल लेके आते हैं या पढ़ाई करके आते हैं विभिन्न ब्रांचों में, वो कुछ लोग बाग बाहर के होते हैं, नहीं तो अधिकतर लोकल जो स्टेट के लोग बाग होते हैं उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट मिलता है। और यह ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर शिक्षा के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर संगठित क्षेत्र के अंदर, इसी के अंदर है। इसलिए राजस्थान के अंदर केवल मॉडर्न मेडिसिन के अंदर ही नहीं, जो आयुष परंपरागत चिकित्सा सुविधाएं हैं, चिकित्सा सेवाएं हैं, जैसे आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, यूनानी, इनके अंदर भी देश के अंदर और प्रदेशों के मुकाबले राजस्थान अव्वल नंबर के ऊपर है। यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, यहाँ पर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर दूसरी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी अजमेर के अंदर चालू होने वाली है, इतनी और कहीं भी किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं है। इसलिए आयुर्वेद, परंपरागत चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ और जिस प्रकार से पंचकर्म के अंदर और वेलनेस के अंदर, और राजस्थान एक हेरिटेज सिटी है, तो वहाँ पर लोग बाग अपना पर्यटन के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी पूरा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं समझता हूँ कि
बहुत ही अपार संभावनाएं हैं मेडिकल हब बनने की। इसका एक दूसरा कारण और भी है, और वो ये है कि राजस्थान जो दिल्ली है, जो नेशनल कैपिटल है, उसके बहुत पास के अंदर है। इसके अलावा भी जो राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, इनके अंदर पहले से ही बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल से संबंधित ऑलरेडी कार्यरत है, और इसीलिए मेडिकल वैल्यू टूरिज्म MVT इसका बहुत बड़ी अपार संभावनाएं यहाँ पर चालू हो रही हैं, क्योंकि आज भी राजस्थान के अंदर अन्य प्रदेशों से जो मरीज लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं और वो इलाज करा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने हील इन राजस्थान पॉलिसी डिक्लेयर करने वाली है, जिसका प्रारूप बन चुका है, और वह प्रारूप बनके नेशनली और इंटरनेशनली जो मरीज, पेशेंट्स और इसके अलावा भी रिहैबिलिटेशन के लिए वो यहाँ पर राजस्थान आ सकेंगे, ऐसी पॉलिसी बनने जा रही है जिससे वो सुगमता से यहाँ पर आ सकें, और सुगमता के साथ साथ उनका इस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया जाएगा कि किस प्रोसीजर के लिए कौन सा अस्पताल ठीक है, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, उनकी क्या कीमतें हैं। इस प्रकार का पोर्टल राजस्थान सरकार बना देगी, जिससे किसी भी प्रकार की चीटिंग की संभावनाएं बहुत ही क्षीण हो जाएंगी। सर, अभी चूँकि राइजिंग राजस्थान में बहुत सारी देसी और बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की इच्छा जताई है, तो सर कौन कौन से ऐसे बड़े ग्रुप्स हैं जो राजस्थान में काम करना चाहते हैं, चाहे वो भारत के हो या विदेश के हो? भारत के और विदेश के दोनों ही जगहों के बड़े ग्रुपों ने अपनी यहाँ पर मंशा बताई है, इंटरेस्ट बताया है। इसके अंदर दिल्ली के अंदर भी अभी एक दो बड़े ग्रुप आने के थे, उन्होंने भिवाड़ी के अंदर और बैरोड के अंदर और जयपुर के अंदर बड़े कार्डियक सेंटर खोलने के MOU उन्होंने किए हैं। इसी प्रकार सिंगापुर का डेलीगेशन आया था, उसको मेडिकल एंड हेल्थ का प्रस्तुतीकरण उन्होंने लिया है। इसी प्रकार जापान से भी इसके बारे के अंदर पूरी की पूरी बातचीत हुई है कि हम यहाँ पर आपस के अंदर MOU करके वहाँ पर्टिकुलरली जो अलाइड हेल्थ साइंस है, पैरामेडिकल्स है, उसकी बहुत ही शॉर्टेज ग्लोबली है, और उसके अंदर यहाँ पर हम इस प्रकार का शिक्षण और प्रशिक्षण चालू करेंगे, जिससे वहाँ के जो चिकित्सक कर्मी हैं या चिकित्सा देने वाले हैं या डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर विजिटिंग प्रोफेसर बनकर यहाँ पर पढ़ाएंगे, और हमारे जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं या चिकित्सा कर्मी हैं, वो वहाँ जाकर उनकी प्रक्रियाओं को और उनके किस प्रकार का बनी हुई है चीज़ों को वो समझेंगे, और यहाँ पर उनको उसी प्रकार का हम पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, तो ये वहाँ पर आराम से जा सकेंगे और वहाँ पर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इस प्रकार के MOU जो है ना ऑनलाइन चल रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ कि इसके कारण एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बनेगा, और राजस्थान देश, पूरे देश को और ग्लोबली पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स दे पाएगा, जो कि राजस्थान के विकास के लिए एक अभूतपूर्व घटना होगी। सर, चूँकि आप एम्स के अध्यक्ष भी हैं, तो एक बहुत हमेशा इस तरह की समस्या है जो बेड को लेकर अक्सर एम्स जोधपुर में आती हैं, किस तरह उसको दूर करने की आपकी योजना है? आपने बिल्कुल सही बात कही कि आज एम्स जो जोधपुर है, वो पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए एक अमृत का काम कर रहा है, और वहाँ पर आज 1050 बेड वहाँ पर अभी हैं, लेकिन ICU की भारी कमी रहती है। इसीलिए हमने एक नया ब्लॉक 250 बेड ट्रॉमा के और 150 बेड ICU के नया ब्लॉक बन रहा है, जो मैं समझता हूँ कि
जुलाई 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा और हम इस 400 बेड का जो नया ब्लॉक है उससे हम वहाँ की बहुत मात्रा के अंदर बहुत हद तक जो है ना हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। सर एक चिकित्सक भी हैं आप, तो एक चिकित्सक के नाते एक आने वाले 20-25 साल राजस्थान में कैसा देखते हैं आप? जिस प्रकार से यूनिवर्स हेल्थ अवेलेबल, स्वास्थ्य सबको, जो कि एक नारा बन के रह गया था, मैं देखता हूँ कि राजस्थान जिस प्रकार से हेल्थ के अंदर आगे आ रहा है और इस बार जो 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बजट के अंदर राजस्थान सरकार ने दिया है, उसके कारण मैं समझता हूँ कि आगे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ देश, और उसके कारण जो हो पाएगा तो यह राजस्थान उसके अंदर अग्रणी बनेगा और हर व्यक्ति को, आज भी 90% जनता को सरकारी जो स्कीम्स हैं उनके अंदर पंजीकरण है और हम ये बताएंगे कि हम गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सुविधाएं अगले 2-4-5 वर्ष के अंदर ही यहाँ पर चालू हो जाएगी और आगे जो जिस प्रकार से लोगों को हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हुए हैं तो बहुत ही उज्ज्वल मैं चिकित्सा के अंदर इन्वेस्टमेंट का भविष्य देखता हूँ और लोग इससे, क्योंकि केवल चिकित्सा ही नहीं करवा रहे हैं लोग, वेलनेस के ऊपर कि किस प्रकार से स्वस्थ रहें, जो कि एक भारतीय स्वास्थ्य की एक अवधारणा है कि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमको चिकित्सा की आवश्यकता कमती रहेगी। स्वास्थ्य जो है, स्वस्थ रहना ये ज़्यादा ज़रूरी है और जिस प्रकार से पुरानी सरकारें बीमारी के ऊपर पैसा खर्च करती थी, अब स्वस्थ या स्वास्थ्य के ऊपर पैसा खर्च कर रही है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स सारे के सारे हो रहे हैं जिसके कारण मैं समझता हूँ कि जो मेडिकल का जो सरकार का जो विभाग है वो बहुत ही अपार कार्य कर रहा है और आगे भी इसी प्रकार करता रहेगा तो वह दिन दूर नहीं जब राजस्थान पूरे देश के अंदर नंबर 1 स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर आ जाएगा। राइजिंग राजस्थान और चिकित्सा से जुड़े तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।